अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझाएंगे। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके ये 3 नंबर्स गिवेन हैं, इनका हमें क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो फटाफट हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले 12 है, उसके हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो पहले आप प्राइम फैक्टर्स क्या होते हैं समझ लेते हैं एक बार और। प्राइम फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवाइड होते हैं या फिर केवल 1 से डिवाइड होते हैं। तो प्राइम फैक्टर्स होते हैं 2, 1 प्राइम फैक्टर नहीं होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 9, 17, 19, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सभी आप ध्यान से देखेंगे सिर्फ अपनी टेबल से जाते हैं या 1 से जाते हैं, वन प्राइम फैक्टर नहीं होता है। तो हमें इन टर्म्स में, इन फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, तो सबसे पहले देखते हैं नंबर क्या है हमारा। पहला नंबर जो क्वेश्चन में गिवन है वो 12 है, तो 12 के फैक्टर्स निकाल देते हैं। तो 12 2 की टेबल में आ रहा है, तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 6 जा 12, 6 से डिवाइड, 2 से डिवाइड किया 6 आया, 6 भी 2 की टेबल से आ रहा है, 2 3 जा 6 3 1, 1 तो सबसे डिवाइड होता ही होता है। तो यानी 12 को अगर हम फैक्टर्स में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 इंटू 2, 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है, 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 बार आया तो 2 बार लिख दिया। अच्छा, ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। इसी तरीके से अब हम निकालेंगे 15 के फैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा 15 है, ये 15 के निकालेंगे। 15 2 की टेबल में आता है, नहीं आता है, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा 15, और 5 एक प्राइम नंबर, 5 पंजा 5 कर दिया, यानी 15 के फैक्टर्स हो गए 1, 1 के नीचे 1 लिखेंगे, 3 के नीचे आप 3 लिखेंगे, और यहां पर चूंकि 5 नहीं है तो 5 को आप अलग लिखेंगे, इस तरीके से इसे इजी रहता है। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारा 21, तो 21 के निकाल लेते हैं। 2 की टेबल से जाएगा नहीं, 3 की टेबल से जाएगा, 3 7 जा 21, और 7 पहले से ही प्राइम नंबर है तो इसके और फैक्टर पॉसिबल नहीं है। तो ये आ गए आपके 21 के, 1 सबका होता ही है, 1 के अलावा 3, तो 3 के नीचे आप ध्यान से देखेंगे 3 लिख रहा हूँ, और चूंकि यहाँ पर 7 नहीं है तो 7 को मैं बिल्कुल सेपरेटली अलग लिखूंगा, इससे मुझे सॉल्व करने में बहुत आसानी रहती है। तो ये हमने 7 लिखा, अलग लिखा है, यहाँ 7 नहीं था। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम एस सी एफ निकाल देते हैं, एस सी एफ ऑफ 12 15 एंड 21। तो एस सी एफ निकालते सिर्फ हम उसी नंबर को लिखेंगे जो सभी तीनों रोज में आ रहा हो। तो तीनों रोज में 1 है, 1 लिख दो, और कोई नंबर तीनों रोज में आ रहा है, यस 3 आ रहा है, तो 3 लिख दीजिए, 1 3 जा 3, तो इसका एस सी एफ आ गया 3। अब हम एल सी एफ लिखते हैं। हाँ ले आइए, अब हम एल सी एम लिखेंगे। तो एल सी एम निकालने के लिए हमें करना क्या है, एल सी एम में हम सभी एलिमेंट लिख देते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। हाँ, तो एलसीएम में 1 आ रहा है, 1 लिखेंगे, इस रो में सिर्फ 2 है तो 2 लिखेंगे, हर रो में से एक एलिमेंट आप लिखेंगे, इसमें से 2 लिखा, इस पूरे कॉलम में से, सॉरी रो नहीं कॉलम में से, हर एक कॉलम में से एलिमेंट लिखना है, तो इसमें से 3 लिखेंगे इंटू 3, और इस वाली कॉलम में सिर्फ 5 आ रहा है तो सिर्फ 5 लिखेंगे, और यहाँ पर 7 आ रहा है। तो ध्यान से देखेंगे हर कॉलम में से मैंने एक एलिमेंट लिखा है, इस कॉलम में से 1, इसमें से 2, इसमें से 2, इसमें से 3, इसमें से 5, इसमें से, इसमें कोई मैटर नहीं है संख्या 2 बार आ रही है 3 बार आ रही है, अगर कॉलम में एक बार भी संख्या आपने लिखी है तो उस संख्या को यह लिखा जाएगा। अच्छा, ये एलसीएम आ गया, दूसरा आपका एचसीएफ आ गया। तो इन संख्याओं को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लाई करने के पश्चात आ जाएगा 1 2 2 को मैं इंटू करके आपको बता देता हूँ, तो ये 420 आएगा, ये तो बड़ा अजीब नंबर है 420, तो आंसर क्या आ गया 420। तो इस तरीके से आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकाल सकते हैं। इसी मेथड से को अप्लाई करके आप बाकी के पार्ट्स भी खुद सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको पार्ट नहीं आते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको अलग से भेज दूंगा। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। उसके अलावा इन सभी वीडियोज को आप www.ncerthelp.com पर जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर ये सभी वीडियो हमने तरीके से अपलोड कर दिए, जिससे कि आपको सर्च करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। थैंक यू।